good. देश आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। तुम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम इन टुडेज व्लॉग। ये देखिए मेरे लड्डू को कितनी नींद आ रही है, ये बैठे बैठे सो रहा है। मैं इसकी मालिश कर रही थी, करते करते इसको इतनी नींद आ रही है, पहली बार ऐसे सो रहा है बैठे बैठे। हाय मेरा बच्चा। देखिए मेरी मलबरी, मेरा बिल्लो लवर। मेरे बिल्लो के मुंह में क्या लगा है? मलबेरी। बहुत मजे आए पापा। तो ये लगभग 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू कुछ इसमें है, मैंने आज फिर से भून लिए हैं। और ये मैं ना सेपरेट से इनको भून के पीस के रख रही हूँ दर्श के लिए, क्योंकि जो सैलेक दाल वाला मैंने बनाया था दर्श को, वो ज़्यादा नहीं खाता है, उसको दिन में एक बार ही खा पाता है। और अभी दर्श जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, मतलब लिटरली जब वो उठता है तब से वो इधर उधर कूदना खेलना शुरू करता है, और जब तक दोबारा नहीं सोता ना वो नॉन स्टॉप एक्टिव रहता है। तो उसको थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत है, तो एक एक चम्मच भी अगर ये पाउडर, तो मैं किसी भी चीज़ में उसको डाल के खिला सकती हूँ, दलिया में या वो सैलेड खाता है, दलिया खाता है, किसी भी चीज़ में मैं ये थोड़ा सा पाउडर डाल के, दूध में डाल के उसको पिला सकती हूँ। इसलिए सेपरेट से पाउडर मैं थोड़ा सा बना के रख रही हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा, मतलब ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 100 ग्राम ही लिए मैंने। अखरोट भी डालना था मुझे, लेकिन अखरोट मिला नहीं इस बार, अच्छा नहीं था, मतलब था बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अभी नहीं लिया। जब अच्छा आ जाएगा तो मैं लेके रख लूँगी अपने पास। तो बनाते हैं पाउडर। ड्राई फ्रूट्स में ना एक और प्रॉब्लम, ग्राइंड करने में हमेशा ध्यान देना पड़ता है, बादाम काजू या ये सब ना थोड़ा थोड़ा तेल निकालते हैं, तो अगर हम इनको कॉन्स्टेंटली लगातार ग्राइंड करेंगे तो इसमें ना हल्का हल्का ऑयल आ जाता है, इसलिए इसको ना रुक रुक के बार बार थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करते हैं, तो ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में रहता है, सब गीला नहीं होता, नहीं तो ये इसमें ऑयल आ जाता है और ये बड़ा गीला गीला स्क्रम्बल सा हो जाता है। तो ये हमारा पाउडर पैनकेक ड्राई फ्रूट्स का हो गया तैयार। ये 2 चम्मच दिन में दर्श को दिया करूँगी, नहीं मतलब 1 चम्मच, एक बार तो वो खा लेता है वो वाला सैलेक, और 1 चम्मच ये पाउडर खा लिया करेगा, तो इतना अभी सफिशिएंट है स्टार्टिंग के लिए। पता है एक्चुअली मैंने इस पाउडर के लिए ना ये ग्लास जार जो है ये धो के रखा था, बट अभी भी ना इसमें हल्की हल्की नमी है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको रखती हूँ बाहर धूप में, जब ये सूख जाएगा तो ये पाउडर जो है वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी, और तब तक ये है इसमें। तो ये जनाब हो रहे हैं तैयार घूमने के लिए, और देखिए आज ये खरगोश पूरी तरीके से निकल के बाहर आ गया, तो सुंदर सिंडल खराब हो गया, कोई बात नहीं इसको पेस्ट कर देंगे दोबारा, ठीक है? देखो इनकी शक्ल देखो, और मेरा रैबिट टूट गया, आई एम नॉट हैप्पी। बहुत मज़े आते थे रैबिट के, इसके कान खींच के मेरे को खींचने में बहुत मज़े आते थे, ये निकल गया। ओ अब क्या करें, अब एक सैंडल का निकल गया, एक सैंडल में लगा, अब क्या करें? निकल गया पापा, मैं रोज खींचता था, बहुत मजे आते थे, आज मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, लेकिन मैं सैड हूँ। चलो अभी इसका कुछ जुगाड़ करते हैं और चलते हैं घूमी करने, ठीक है? चलो। अब दर्श अपना रिवॉर्ड एंजॉय कर रहा है, आज दर्श में बहुत इंप्रूवमेंट है, बिल्डिंग के नीचे से उतर के वहाँ से वो पैदल चल के पूरा आया है हमारे साथ यहाँ,
तक, अपने झूले तक का रास्ता भी उसने एक्चुअली देखा जाए तो उसने खुद ढूंढ लिया। उसको पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो मतलब मैंने उससे शमाने उसकी फिंगी पकड़ी है, बट ही वॉक्ड ऑल द वे। नहीं तो वो बीच में इतना नहीं चल पाता है, वो हिल जाता है या फिर वो बैठ जाता। तो ही इज़ इम्प्रूविंग, दश बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी दश, जल्दी जल्दी दश। बेबी है ना वहाँ, आज दर्श के लिए हम लोग नए खिलौने लाए हैं। एक्चुअली पहले वो इसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वाले खिलौने हम लोग 3-4 ले आए थे, लेकिन आई गेस वो उससे ज़्यादा देर तक ऑक्यूपाइड नहीं रहता था दर्श, तो इस बार थोड़ा सा वो लर्निंग जिससे बढ़े इसकी ना, ये क्या क्या बोलते हैं इसको, नया टेडी रिंग्स जंबो लेके आए हैं, तो ये अपना इसमें डालते रहेंगे रिंग्स। ये रहा टेडी, तो रेनबो, और ये टोटल हो गया जंबो। और एक और खिलौना लाए हैं, मतलब खिलौना नहीं, एक स्क्रीन लाए हैं जिसमें लिख सकता है ये। हाँ चला सकता है। इसमें दिख नहीं रहा मोबाइल में, थोड़ा पास आना पड़ेगा। हाँ ये देखिए इस तरीके से, और फिर विद दिस इट विल बी डिलीटेड। हाँ तो ये बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, तो हम एक ये भी ले आए। देखिए दर्श बजाए रिंग्स डाले उसमें, यहाँ वहाँ फेंकने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अभी तो दश को ऐसे ही गेम चाहिए जिसको वो खूब फेंके उठाए फेंके। दश नो, दश ब्लू 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 और पिंक पिंक पिंक। हाँ टेडी, ओ ओ ओ सिट 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 सिट, टेडी टेडी लगाओ, टेडी टेडी पुट दिस, टेडी 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 टेडी। क्या हो गया दर्श निकालने में बिलीव करता है, हम लोग रिंग्स डाल रहे हैं उसमें और ये बस रिंग्स को निकाल रहे हैं, फिर ये डाल रहे हैं, अब ये फिर निकालेंगे। और ये धीमे फेंकने में ना उसको दूर उछाल के फेंकना है, देखना यहाँ तक निकला वो दूर फेंकेगा। देखो जब तक दूर नहीं फेंकेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। ये दश दश अब हमारी ये मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप सब अपना ध्यान रखिए और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। और इस वक्त वाकई दोबारा से ध्यान देने की और सतर्क होने की ज़रूरत है, तो बी सेफ एंड स्टे हेल्दी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं पक्का।